नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटर एक्सपीरियंस के लिए ईयरफोन यूज़ कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज करना है तो एक्सप्रेशंस मतलब कई टर्म्स एक साथ होते हैं ना, उसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ पे नंबर नहीं मतलब वन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। वन का स्क्वायर रूट वन है, ए स्क्वायर का ए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये प्लस है, प्लस लिखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ लिखते हैं। अभी 16 किसका स्क्वायर है, फोर का। ठीक है, अब 8 को क्या लिखते हैं, अभी देखिए क्या है, 2 इंटू लिखने का। 2 इंटू यहाँ पे क्या, 1 ए, और यहाँ पे क्या है, 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो तो 8 ए होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 ए है, 1 ए लिखो। ये 4 है, 4 लिखो। ये बीच में इधर क्या है, प्लस ना, इधर देखो प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लिखो और स्क्वायर लिखो। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इधर नंबर नहीं, 1 है, तो ये किसका स्क्वायर है, 1 p का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 25, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर। ये माइनस यहाँ लिखो, 2 इंटू 1 p इंटू 5 लिखने का। ठीक है, इक्वल टू पहला क्या, 1 p वो लिखो, इधर माइनस है, माइनस लिखो, इधर प्लस रहेगा तो प्लस लिखने का, और इधर का नंबर क्या, 5, 5 लिखो और स्क्वायर करो। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी फाइव मतलब 5 और एम स्क्वायर, एम 5 m का स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 m इंटू 3। 3 हो जाएगा 5 m, जब प्लस है, प्लस लिखने का, 3 उसका स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं, 49 y² है, तो 49 7 का हो जाएगा, y² यानी y। ठीक है, ये प्लस 36 किसका हो जाएगा, 6, और z² का z, इधर प्लस है, प्लस लिखो, 2 इंटू 7 y और 6 z लिखते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू 7 y, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखो, उधर 6 z है और उसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, 4 का 2 हो जाएगा, x² का x गुणे का स्क्वायर, ये 4 बोला तो 2 का स्क्वायर, और इधर माइनस से माइनस, 2 इंटू 2x इंटू 2 हो जाएगा, 2x इधर का 2, इधर माइनस है इसके लिए माइनस, और स्क्वायर। सिंपल, इक्वल टू 121 का 11, b² का b, तो 11 b² पहले यहाँ का लिख लेते हैं, 16, 4 c का स्क्वायर, क्योंकि 4 के टेबल में 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये माइनस तो माइनस, 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 b इंटू 4 c, आंसर आ जाएगा 11 b, ये माइनस तो माइनस, और 4 c उसका स्क्वायर। ये सब थोड़ा एक्सेप्शन है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो एल प्लस एम स्क्वायर है ना, उसको फैक्टराइज करते हैं। तो एल प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी था होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, प्लस 2 ab मतलब 2 इंटू एल इंटू एम, प्लस b² मतलब m का स्क्वायर,
और आगे क्या है, माइनस 4 LM, उसको ऐसे ही लिखते हैं। एल स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4 LM, ठीक है। एल स्क्वायर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़ा नंबर 4, उसके आगे माइनस है तो माइनस, ठीक। अब देखिए ये बन रहा है एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर इधर वाला हो गया एम का स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस लिखो, और इधर लिखेंगे 2 इंटू, इधर एल है इधर एम है, एल और एम, फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा एल, इधर माइनस है तो माइनस लिखने का, और इधर एम है तो एम लिखने का और स्क्वायर लिखने का, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 A। अब ए रेस टू 4 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 2 टू 4, ठीक है। अब पहले B4 लिखते हैं, अब यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे भी नंबर क्या है, 1, तो हो जाएगा 1 B स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस से प्लस लिखो, फिर हमको क्या लिखना रहता है, 2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1 A स्क्वायर इंटू 1 B स्क्वायर। अब आंसर आएगा 1 A स्क्वायर, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है वो इधर प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस डालेंगे, और ये 1 B स्क्वायर है, तो 1 B स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप चाहते हो तो 1 हटा दीजिए, A स्क्वायर प्लस 2 B स्क्वायर उसका स्क्वायर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला पहले वो देख लेते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर कोई एक्सप्रेशन आपका इस तरह बनता है कि A का स्क्वायर आएगा माइनस B का स्क्वायर होगा, तो आपको लिखना है A प्लस B A माइनस B, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4P, 4 किसका हो जाएगा, स्क्वायर 2 का, और ये हो जाएगा 2P स्क्वायर, माइनस 9 किसका है, 3 का, 3Q का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बरोबर। तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या है हमारा 2P, ये जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना उसको ए बोलेंगे, और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको बी बोलते हैं। तो ए प्लस बी मतलब 2P प्लस 3Q, और ए माइनस बी मतलब ए की जगह 2P, माइनस की जगह माइनस, और बी की जगह 3Q, ये आंसर, ठीक है। यहाँ पे 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 64 होना चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो कॉमन निकल रहा है, इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, 63 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो 63 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, तो 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। ठीक इसी तरह हम 1 1 2 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 1 2 का, 1 1 2 का, ये 2 में जाएगा, 10 इसी तरह 2 है, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, ठीक है। अब फैक्टर निकालने से फ़ायदा ये हो गया कि अब क्या कॉमन निकालना है हमको वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है वो कट कर देना है, ठीक है। ये 7 और 7 कॉमन निकला, मतलब दोनों में से 7 कॉमन निकलेगा। अब इसके पास ए स्क्वायर है, इसके पास बी स्क्वायर है, तो कॉमन नहीं निकलेगा। तो 63 वाले में क्या बचा, 63 वाले में 3 3 9 बचा, माइनस की जगह हमने 1 1 2 में इतना बचा, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा। अब 9 किसका रहेगा, 3 3 A स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 B स्क्वायर,
नेक्स्ट ये हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अंदर वाले को ए समझना है और इधर अंदर वाले को बी समझना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए हमारा क्या है, 3a + 4b, 3a - 4b इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट फोर्टी नाइन किसका स्क्वायर है, 7 का x, 7x² 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - b² मतलब a + b a - b मतलब 7x + 6, 7x - 6। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 16 तो मिल जाएगा, 4 का है और 144 आपको पता है कि 12 का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो x 5 है और x 3 है, तो 5 और 3 इसका तो स्क्वायर नहीं बन पाएगा, तो हम क्या करते हैं दोनों में से एक एक x कॉमन निकालते पहले, ठीक है। तो यहाँ बचा 16x^4, क्योंकि 4 5x था उसमें से एक एक बाहर चले गए, -144 और x³ में से एक एक चले गया तो x² बचा, ठीक। अब ये स्क्वायर का जोड़ी बनेगा, 16 आएगा 4 में, अच्छा x^4 है तो मैं इसको लिखना पड़ेगा x² का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 = 4, -144 12 में जाता है और x² है मतलब x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, इधर x^4 है इसलिए x² का स्क्वायर लिखना पड़ा और इधर x^2 है इसलिए x का स्क्वायर लिखना पड़ा, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो गया, a², ये पूरा आपका a है, a² - b² मतलब a + b a - b, तो इसका आंसर होगा 4x² + 12x, 4x² - 12, ये इसका आंसर है। नाउ पे अटेंशन, इसको पूरा ए समझ लो a² और इसको पूरा बी समझ लो b² a² - b² a² - b² क्या होता है, a + b a - b, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आएगा a + b, तो a क्या है आपका l + m प्लस b ना, b क्या है l - m, a + b और a - b, तो a क्या है आपका l + m और b क्या है आपका l - m, समझ में, a + b a - b, तो a + b a - b। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, l + m, बाहर प्लस है तो ऐसे ही ली, तो +l - m, अब यहाँ पे ध्यान दो l + m, देखिए इधर साइन नहीं दिया मतलब प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस l माइनस माइनस प्लस m, अब जो कैंसलेशन वो करेंगे जो +m - m इधर कैंसिल और +l - l यहाँ कैंसिल, तो बचा क्या, इधर l और l दो बचा मतलब 2l, यहाँ पे 2m बचा मतलब 2n, ठीक है, और इसके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4lm इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिक्स्थ सम, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 और x का स्क्वायर मतलब x² मतलब x का स्क्वायर और y² मतलब y का स्क्वायर, और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² - b² a + b a - b, ये a है प्लस b, b क्या हमारा 4 और a - b, ये a है -b, ये इसका आंसर होगा। सेवन सम, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहले स्क्वायर बन रहा है, देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ और जेड स्क्वायर है तो उसको अलग से पहले लिख दिए, तो इसको लिख सकते हैं 1x² प्लस इसको लिख सकते हैं 1y² बीच में माइनस है
तो इसको लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे जो ब्रैकेट में, यहाँ पे जो ब्रैकेट में, हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे किया वैसे 1x इंटू 1y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1x, इधर माइनस है ना, इसके लिए माइनस, इधर क्या 1y, 1y² ये माइनस है इसका। अब आपको आगे 1 नहीं लिखना चलेगा, तो x - y² - z² अगर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा -b² तो इसका आएगा a+b, a - b, तो a क्या हमारा x - y प्लस बी, बी क्या हमारा z, फिर a - b, ए क्या है x - y और b क्या है z, तो ये हो जाएगा x - y + z, x - y - z, ये इसका आंसर है। एट द सम, तो ये तो बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, पे अटेंशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए ये 4b है, इधर समझो b है और इधर c है, तो b c बीच में है, मतलब ये हमारा जो बनता है जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना उसके जैसा बनता है। तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, 25a² सब में से माइनस कॉमन निकालता हूँ, माइनस कॉमन निकाला तो इधर क्या बचेगा 4b² 28bc 49c² माइनस बाहर निकाला, ठीक है। अब माइनस बाहर निकाला तो हर जगह क्या नंबर आएगा उसको जानने का एक तरीका आपको बता देता हूँ, आप ऐसे कर लीजिए तो आप आंसर आराम से लिख सकते हो कि बाहर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस लिख के मतलब नहीं लेकिन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, समझ रहे बच्चों, साइन का समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25a² - अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 कैसे किया था, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दो, 2 × 2b × 7b, 2b × 7c, ठीक है, इक्वल टू 25a² - तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर वाला, 2b, इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखो 7c और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 बोला तो 5 का स्क्वायर और ए स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2b - 7c² तो ये हमारे लिए क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी, इक्वल टू 5a। अगर बाहर प्लस रहेगा तो जो साइन अंदर है वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 5a, ये 5 ब्रैकेट है 5a। अब यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे साइन नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा, a तो बच गया, 2x में से 1x बचा और x निकल चुका था, b बचा, ax+b आपका आंसर है। अब नंबर्स हैं,
नंबर्स के लिए पहले भी आप फैक्टराइज कर लो, डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। फैक्टराइज से क्या है, हर बच्चा कर सकता है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब क्या कॉमन निकलेगा नंबर में तो कट कर देने का, 7 7 मतलब 7 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, तो बचा 1 मतलब ई स्क्वायर प्लस 21 वाले में क्या बचा, 21 वाले में 3 बचा, 3 क्यू स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। थर्ड सम, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², तो सब में से 2 कॉमन निकल सकता है। इसके पास 3x है, इसके पास 1x है, इसके पास 1x है, तो 1x कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 निकला, 3x में से 1x निकला, तो अंदर x² बचा, प्लस 2 निकल चुका, 1x निकल चुका है, y² बचा, प्लस 2 निकल चुका है, x निकल चुका है, बचा z², ये आंसर है। फोर्थ सम, ये देखिए एम स्क्वायर कॉमन है तो एम स्क्वायर बाहर निकला तो बचा ए प्लस बी। इसमें देखेंगे तो एन स्क्वायर कॉमन है, एन स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा क्या, बी प्लस ए ना, बी प्लस ए, ठीक है। बी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, एक ही चीज़ होता, वन एंड द सेम थिंग। अब इसमें से देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ से कॉमन निकला, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, अगर ये निकल चुका है तो इधर बचा एम स्क्वायर, और ये निकल चुका है तो यहाँ बचा एन स्क्वायर, ये आंसर हो गया। फिफ्थ सम, तो इधर क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पे वन आएगा, ठीक है, इक्वल टू, इन दोनों में अगर आप देखते हो तो एल कॉमन निकलेगा तो बचेगा एम प्लस वन, ठीक है, और ये एम प्लस वन पहले से था लेकिन इधर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब वन समझ लो, ठीक है। अब इधर एम प्लस वन, एम प्लस वन वो कॉमन निकला, तो एम प्लस वन कॉमन निकला तो इधर क्या बचा, एल प्लस क्या बचा, वन, एल प्लस वन। नेक्स्ट पे अटेंशन, नंबर सिक्स, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचा, वाई, और यहाँ क्या बचा, नाइन, वाई प्लस नाइन। सेवन सौ, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इनकी जोड़ी बनाते हैं और यहाँ पे इनकी जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो 5 और 20 में क्या कॉमन निकलेगा, तो फैक्टर कर लेते हैं, 5 का फैक्टर 5 1 जा 5, 20 का फैक्टर 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 और 5 कॉमन निकला, 2y 1y में से 1y कॉमन निकला, ठीक है। तो 5 निकल चुका तो इधर नंबर क्या बचा, 1, और 2y में से 1y निकल गया। 20 में क्या बचा, 20 में ये दो नंबर बचा, तो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 2 जा 4, 4, और 1y था वो निकल चुका, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 8 और 2 में, तो 8 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 जा 8, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ कैपेबल हो तो, 2 2 1 जा 2, तो 2 कॉमन निकला, माइनस यहाँ लिखता हूँ, 2 कॉमन निकला, ठीक है। दोनों में से एक एक जेड भी निकला, 8 वाले में क्या बचा, 8 वाले में देखो यहाँ 2 2 जा 4 बचा, और 2 वाले में क्या बचा, 1, 2 2 निकल चुका है, जेड निकल चुका है, 2 निकल चुका है, जेड निकल चुका है, और अल्फ़ाबेट में वाई बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या साइन आएगा, तो साइन का शॉर्टकट देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या साइन आएगा वो डिपेंड करता है इनका, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या है, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो इधर क्या आएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 5y 1y-4, इसमें से हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है
ऐसे मत करो, आप क्या करो, माइनस 2z, ठीक है, और जो 1y-4 था ना, इसको भी ऐसे लिख दो, 1y-4, ठीक है, 1y-4 लिख दें। अब थोड़ा साइन में चेंज हो जाएगा, कैसे देखो, इधर 1y अगर माइनस था तो इधर पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो -y-4 इक्वल टू 5y 1y-4, ये जो माइनस है ये माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, -, +2z 1y-4, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो 1y-4 कॉमन निकला, तो यहाँ पे बच गया 5y+2z। अब 8th सम ध्यान दीजिए, 10 और 4, तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो पहले 10 का फैक्टर कर लेते हैं इधर पे, 2 5 10, 5 1 5 और 4 का फैक्टर करते हैं, 2 2 4, 2 1 2, तो दोनों में 2 कॉमन निकला, और ए भी ए में से ए कॉमन निकला, तो 10 वाले में क्या बचा, इधर 5 ए निकल चुका है, बी बचा, प्लस 4 वाले में क्या बचा, 2, ठीक है, अब इधर भी 5b+2 है, तो उसका ऐसा ब्रैकेट बना के लिख दो, 5b+2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे 5b+2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2a+1। (6xy-4y) तो इनका हम पेयरिंग करते हैं, जोड़ी बनाते हैं, पहले कॉमन देखते हैं, 6 और 4 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 का 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो कॉमन क्या निकल रहा है, 2 और 2 कॉमन निकल रहा है, एक्स वाई और वाई में से वाई कॉमन निकला, तो 6 वाले की जगह क्या बचा, 3, एक्स वाई में से वाई निकल गया, बचा है एक्स, माइनस की जगह माइनस, 4 वाले में नंबर क्या बचा, 2, और वाई निकल चुका था, ठीक है, प्लस 6 और 9x में क्या बचेगा, तो 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं, निकाला हुआ था, एक बार और निकाल लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और 9 का फैक्टर निकालते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 और 3 कॉमन निकला, 6 की जगह क्या बचा, 2 - 9 की जगह क्या बचा, 3x। नाउ 2y 3x-2, इधर भी 3x-2 चाहिए ना, अब देखिए 3x-2 चाहिए, इसके ऐसे एक सम और किया था हमने, तो हमको क्या करना है कि 3x-2 चाहिए, मतलब इधर 3x का साइन क्या है, प्लस, इधर क्या है, माइनस, इधर 2 का साइन क्या है, माइनस, इधर 2 का साइन क्या है, प्लस, साइन बदलना है ना, तो जब भी आपको साइन बदलना होगा तो इधर का आप साइन बदल लो और अंदर वही लिख दो, जैसे प्लस है तो इसको लिख दो माइनस, तो अब ये वही लिख सकते हैं, 3x-2, समझ में आ गया, इक्वल टू 3x-2, 3x-2 कॉमन निकला, तो इधर क्या बचा, 2y-2, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज a^4 - b^4, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, a+b a-b, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारा ए यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी हमारा बी स्क्वायर है, ये ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिर से फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट पे अटेंशन, पी रेस टू 4 है तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, फिर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 9, तो पी स्क्वायर प्लस 9 ये आगे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये वाला सॉल्व होगा, कैसे देखो, पी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर और 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, समझ में आया, मतलब जब तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तब तक उसको आपको सॉल्व करते रहना है, पी स्क्वायर प्लस 9, तो ये पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पी प्लस 3 पी माइनस। एक्स रेस टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड रेस टू 4 मतलब वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम ध्यान देते हैं तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो टर्म है अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब वाई प्लस जेड, और ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये इसका आंसर होगा, क्लियर है, सिमिलर सम यहाँ पे है, सिमिलर है, तो एक्स रेस टू 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड 4 लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा ये जो है ए है और ये जो है यहाँ पे बी है ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर ये हमारा ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर ये ए माइनस बी हो गया। अब ये वाला तो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ए माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड एक्स, ये माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, फिर से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स टू एक्स ना, टू एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स कट, तो बचा जेड, ये आंसर। ए रेज टू 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, टू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया,
ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, इधर क्या ए स्क्वायर, तो इधर लिखिए ए स्क्वायर, इधर माइनस तो माइनस लिखिए, और यहाँ बी स्क्वायर है अंदर तो बी स्क्वायर लिखिए। अब क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, मतलब क्या है, ए प्लस बी दो बार है और ए माइनस बी भी दो बार है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ ये आपको लाइफ टाइम ईजी रहेगा, शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे का सारे कोई भी प्रकार का सम, 10th, 11th, 12th, कभी भी आप लाइफ में फेस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, तो उसको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते, समझ लीजिए। यहाँ पे 1, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तोरण बांध लीजिए, ठीक है, तो 8 वन ज़ा 8, ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, प्लस, तो +8, और यहाँ पे बीच में क्या है, +6, तो यहाँ लिखिए +6, तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके 8 आता है, 8 वन ज़ा 8 आता है, वेरी गुड, लेकिन 8 और 1 को प्लस या माइनस करो तो 6 आएगा क्या, नहीं आएगा, 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो क्या नंबर है, वेरी गुड, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, ये साइन क्या, प्लस ना, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 और 2 में से 4 है, तो इसको भी प्लस है, जो यहाँ पे साइन रहेगा वही बड़े नंबर को देना, तो यहाँ पे दे प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे देना प्लस, तो अब क्या करना है आपको, पूरा वही लिखना है, ये आगे प्लस लिख के मतलब नहीं, 1 है तो 1 भी मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं, बचा पी स्क्वायर, +6p की जगह क्या लिखोगे, +6 है ना, उसकी जगह लिखोगे +4p, वेरिएबल वही रहेगा, +2p +8, ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो p कॉमन निकलेगा, तो इधर क्या बचा, p +4, अब यहाँ क्या लिखने का, ये जो p +4 है ना, यही p +4 यहाँ भी लिख दो, ठीक है, तो बाहर क्या लिखना है, तो बाहर लिखने का भी तरीका बताता हूँ आपको, देखिए बाहर लिखने का क्या, यहाँ पे क्या है, साइन, साइन अंदर, इधर साइन क्या, प्लस, और ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो इधर लिखने का प्लस, ठीक है, समझ में आया क्या, समझा, और ये पी और पी कट गया तो बचा क्या, 2, तो 2 लिखने का, क्लियर, तो क्या बचा आपका, पी +4, पी प्लस, ये आंसर होगा, ठीक है, शॉर्टकट तरीका क्या है, इधर वेरिएबल क्या है, पी ना, तो इसको लिख देने का पी +4, पी +2 आंसर होगा, शॉर्टकट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1, और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या बांधना है आपको, तोरण, तो तोरण बांधते, यहाँ पे नंबर 21 है, यहाँ पे 1, 21 वन ज़ा 21, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 इज इक्वल टू, बीच में क्या है, -10, -10, ठीक है, तो 21 कब जाएगा, 21 वन ज़ा जाएगा, लेकिन 20 और 1 को 10 नहीं आने वाला, 7 थ्री ज़ा 21, तो 7 और 3 10 होता है, ठीक है, तो 7 थ्री ज़ा 21, तो इधर बड़ा नंबर, इधर 10 का साइन माइनस है, तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, ये, तो इसको माइनस कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये -7, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आगे +1 लिख के मतलब नहीं, क्यू स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, -7q -3q +21, ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, क्यू, क्यू कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचा, 1q -7, यही क्यू -7 यहाँ पे वापस लिख दो, यही क्यू -7 वापस लिख दो, बाहर क्या लिखना है, तो बाहर लिखने का तरीका बताता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखते हैं, ठीक है, वो मैं मिटा देता हूँ, इधर लिखा माइनस, ठीक है, अब और नंबर क्या आएगा, ये क्यू और क्यू कट गया, बचा क्या, 3, तो लिखने का 3, ठीक है, ऐसा काटना नहीं, वो काट के आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अंडू कर रहा हूँ उसको, तो क्यू -7, क्यू -7, बचा क्या, क्यू माइनस, शॉर्टकट तरीका यही देख लो, खाली इसके आगे क्यू लगा दो, इसके आगे क्यू लगा दो, क्यू -7, क्यू -3, लास्ट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस,
तो ये तोरण मान लो, तो इधर 16, इधर 1, 16 वन जा 16, इधर प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस 6, तो यहाँ लिखते हैं प्लस 6, ठीक है। तो 16 या 4, 4 था 16 आता है, लेकिन 4 और 4 प्लस या माइनस करके 6 नहीं आएगा। नेक्स्ट 8 टू द 16 लेते हैं, 8 टू द 16, यहाँ पे 6 प्लस है ना, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा 8, उसके आगे प्लस टाइम प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस टाइम, ठीक है। तो इसको फैक्टर लिखते हैं, प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं, तो लिखते हैं पी स्क्वायर, और प्लस 6 की जगह क्या लिखेंगे, प्लस 8 पी माइनस 2 पी माइनस 16। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों में से पी कॉमन निकला, तो बचा क्या पी प्लस 8, और यही पी प्लस 8 फिर से लिखिए, ठीक। अब इधर साइन क्या आएगा, साइन के लिए शॉर्टकट बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस माइनस, मैं अनडू कर देता हूँ। अब नंबर कौन सा आएगा, तो पी और पी कट गया, तो बचा क्या 2, तो 2 नंबर आएगा, ठीक है। तो पी प्लस 8 कॉमन निकला, अब बचा क्या पी माइनस, देखिए इसके आगे पी लगा दो, पी प्लस 8 इसके आगे पी लगा दो, पी माइनस 2, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, दिस विल रियली इंस्पायर मी टू मेक मोर वीडियोस। धन्यवाद, जय हिंद।